सिंपल पेंडुलम है, क्या परफॉर्म कर रहा है? और पीरियड 4 सेकंड, उसका टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 सेकंड। सो पीरियड 4 सेकंड, अब टाइम देखो अच्छे से, टाइम दिया है उसने ऑलरेडी, हाउ मच टाइम, फिर से टाइम ही पूछ रहा है। सो हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, मतलब कितना समय लगेगा उसको मीन पोजीशन क्रॉस करने के लिए, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब उसको कितना समय लगेगा मीन पोजीशन से सामने जाने के लिए जब उसका एम्पलीट्यूड 1/3 होगा डिस्प्लेसमेंट से। पहले इसको डायग्रामेटिक पोजीशन से समझते हैं, डायनामिक पोजीशन से समझते हैं। देखो पहले ये मान के चलो ये हमारा ये सिंपल पेंडुलम हो गया, ये इसकी मीन पोजीशन, इधर से चाहे वो इधर जाए कि इधर जाए, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं। अब यहां से कितने समय, मतलब उसको कितना समय लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है ये बॉब है कि वो एम्पलीट्यूड के कितने हो जाएगा 1/3, मतलब ए ऑफ 3। अज्यूम करता है कि अगर मान के चलो कि इसका टोटल एम्पलीट्यूड 9 सेंटीमीटर है, कितना है ये, तो 1/3 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 1/3 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। मतलब वो पूछ रहा है कि मीन पोजीशन से, एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि अगर वो टोटल एम्पलीट्यूड उसका कितना है 9 सेंटीमीटर, तो उसको तीन यहां से 3 सेंटीमीटर तक जाने के लिए कितना समय लग रहा है वो पूछ रहा है। चाहे इसको इधर ले लो, आप इसको इधर ले लो सिमिलर पोजीशन पर, फिर से आप इधर भी लेंगे तो इधर भी 9 सेंटीमीटर लेंगे, एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं हम लोग, क्लियर। और यहां से अगर इधर जा रहा है तो उसको उस पर 3 सेंटीमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, या अदरवाइज अगर ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 3.33 दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। लेकिन वो समय काउंट कहां से करेंगे आप, वो समय काउंट करेंगे मीन पोजिशन से, क्योंकि वहां से मीन पोजिशन दिया होगा। क्वेश्चन का मतलब समझा, क्लियर। देख एक बार फिर से, द सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM, सिंपल पेंडुलम SHM परफॉर्म कर रहा है फॉर अ पार्टिकल 4 सेकंड, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 सेकंड, सॉरी पीरियड कितना उसका 4 सेकंड। अब ये जो टाइम है, पहले टाइम बाद में टाइम पूछ ही रहा है, तो ये आपका टाइम कैपिटल T से डिनोट कर ले, दैट इज कॉल्ड एज 4 सेकंड, कैपिटल T से जो टाइम हम लोग निकालेंगे उसको डिनोट करेंगे स्मॉल T से, सो दैट मींस स्मॉल T, विद दैट वी हैव टू कैलकुलेट, कैपिटल टी दिया है, स्मॉल टी हम लोग को कैलकुलेट करना है, या आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट मेक श्योर कि जो गिवन डाटा में आप उसको अज्यूम कर रहे हो, आपके फाइनल आंसर तक आपको दिखना चाहिए उसको, ठीक है। जरूरी कि हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी से इग्नोर करें, ठीक। हमारे अजम्पशन है कि हम लोग इसको ऐसे अजम कर रहे हैं, तो हमारे फाइनल आंसर तक वो अजम्पशन कंटिन्यू होने चाहिए, नहीं तो पता चला यहां ऐसे कर रहे हो और फाइनल आंसर में कैपिटल टी निकाल कर रख दिया, ऐसे नहीं। सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग SHM, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म कर रहा है SHM, पीरियड कितना उसका 4 सेकंड, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन विल द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब और 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यही बात हो गई है, फिर से यहां से मीन पोजीशन से इसको 1/3 जाने के लिए, कितने 1/3 जाने के लिए, जब उसका ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, उस ओरिजिनल के एम्पलीट्यूड से 1/3 जाने के लिए उसको कितना समय लगा है वो पूछ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चल देगा इधर, अब मेरा एम्पलीट्यूड कितना है, अगर मैं x की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं से x अगर हम लोग ले लें, क्या x इज इक्वल टू a बाय 3, x इज इक्वल टू क्या है a बाय 3, तो x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तेरा a डिवाइडेड बाय a, कौन सी पोजीशन को पास करते हुए जा रहा है, मीन पोजीशन, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, याद है, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू क्लियर। हाँ चलेगा भी, अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से देख रिप्लेसमेंट कर देता हूं, अब मेरे पास में ओमेगा है नहीं, ये जो टी नजर आ रहा है आपको, दिस टी दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ये स्मॉल टी आपको नजर आ रहा है ओमेगा टी, तो ये ओमेगा और ये टी मेरे को निकालना है ओमेगा पुट करके, अब ओमेगा का फॉर्मूला अब मेरे पास में टाइम दिया है, तो ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टी 2π/T, क्लियर। और यहां से देख, अब इक्वेशन देख, नाउ दिस इज x इज इक्वल टू, नाउ दिस इज a sin ओमेगा, ओमेगा रिप्लेस बाय t 2π/T, तो हो जाएगा 2 t, और
अरे समझा गया? ठीक है चलेगा गेम। x कितना है? a by 3। x कितना है? a by 3। चलिए मैं x a by 3 पुट कर देता हूँ। So this is a divided by 3 is equals to a sin 2 pi divided by t। What is t? 4। So this is 4 into t। बोल समझा? हाँ। अरे बोल समझा गया? ठीक है चलेगा गेम। This 2 this 4 get cancel तो angle का टर्म समझा दो, है ना? दोनों एंगल के टर्म्स में तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। चल देख इधर और देख फिर से कौन कैंसिल हो गया। ए और ये ए कैंसिल, बचा 1 by 3। क्या बचा? 1 by 3 is equals to ए कैंसिल हो गया sin pi by 2 कितना? pi by 2 into t। बोल समझ में आया क्या? ठीक है चले इधर फिर से। अब मैं इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं, मतलब ये इधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं। ठीक है चलिए। तो आगे जरा साइन पाई बाय टू इंटू टी इज इक्वल टू 1/3। समझ में आ रहा है? ठीक है चलेगा। अब आप यहां से टी डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर सकते हैं। आपको साइन को पहले इधर भेजना पड़ेगा। तो यार साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स। अब जब साइन आपका इधर से ले आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, नहीं तो आप पता चला यहां से डायरेक्ट टी कैलकुलेट कर रहे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं। ठीक, तो ये साइन आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। अब इधर देख बचा क्या? पाई बाय टू इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। मेक श्योर दिस इज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। ये ऐसे ही आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करना है इसको। समझ में आ रहा है? ठीक है चलेगा गेम। साइन इनवर्स 1/3, 1/3 का मतलब 0.3333। अरे ऐसा ही होगा ना। देख इधर, नाउ दिस इज पाई बाय टू इंटू टी is equals to sine inverse 0.333। चलते रहेगा ऐसे। Now take the sine inverse of 0.3333। कितना? 19 degree 13 minute। बोल फिर से। 0.3333। 19 degree 13। चलिए sine inverse बढ़ाया इनवर्स कैसे निकालते हैं? चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉस इनवर्स हो, चाहे वो टैन इनवर्स हो। 19 डिग्री। नाउ सी दिस इज पाई बाय 2 इनटू टी इज इक्वल टू 19 डिग्री 30 मिनट। 30 अच्छा 30 30 30। अरे क्लियर हो रहा है क्या? चलेगा इधर, ये डिग्री में, ये किस में है? और ये देख पाई बाय 2 में है, ये रेडियन में। तो इसको तेरे को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में। पाई बाय 180। सिंपल सी बात है, मैथ्स में पढ़े होंगे तुम लोग। किसमें कन्वर्ट? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अबे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। तो इसको मैं तो इसमें कन्वर्ट कर दूं। किसमें कन्वर्ट कर दूं? रेडियन में। तो देखिए इधर, पाई बाय 2 इनटू टी इज इक्वल्स टू 19 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। बोल नहीं समझा? अबे 180 डिग्री में ना, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। अबे यार कैंसिल हुआ। चलिए इधर, सो दिस पाई एंड दिस पाई गेट कैंसिल। देख बचा फिर से ये 2 और ये 180 के साथ में कैंसिल, बचा 90। कितना बचा? 90। देख इधर, इट्स सिंपल प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, सो पाई पाई कैंसिल, 2 और 180 कैंसिल, बचा 90। टी इज इक्वल टू 19 डिग्री 13 मिनट डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। समझा? अरे समझा गया? ठीक है चले। क्या अब इसका डिवीजन कर सकते हो? अरे कर सकते हो क्या? बोल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये? देखो ये डिग्री, ये 30 मिनट, क्लियर, और ये 90 डिग्री है। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है इसको। ये 19 डिग्री है, ये 30 मिनट है, ये डिग्री और ये डिग्री। अब आप दिमाग में लगा सर डिग्री डिग्री कैंसिल, ऐसा नहीं होता। अब एक इसका कैलकुलेशन करने का तरीका, जिस समय आप ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ये 19 डिग्री 30 मिनट को आप लिखेंगे 19.30 और डिवाइडेड बाय 90। समझा? वॉट एवर बी द वैल्यू वी कैन डायरेक्टली पुट, जहां डिग्री है वहां पॉइंट आएगा, और जहां 19 डिग्री 30 मिनट है तो 19.30 डिवाइडेड बाय 90। क्लियर? बोल फाइनल आंसर बोल इसका। 0.2145। पक्का? ठीक है, तो आंसर इसका फाइनल कर दूं मैं।
पक्का सही है बेटा, मार खाएंगे नहीं अगर नहीं आया सही तो। 0.21445 क्या निकाले? यूनिट बोल समझा गया, उतार बराबर।